प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एटीएम सेंटर में लोगों की नासमझी का फायदा उठाकर चालाकी से एटीएम कार्ड बदलकर उनके साथ धोखाधड़ी करने वाले अपराधी को कल्याण की महात्मा फुले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पकड़े गए आरोपी का नाम दीपक झा है, जो 32 साल का है, उल्लासनगर का ये रहने वाला बताया जा रहा है। इस आशय की जानकारी देते हुए एसीपी कल्याण जी गेटे ने बताया कि महात्मा फुले थाना क्षेत्र में एटीएम सेंटर में नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतें मिल रही थी। थाना इंचार्ज शैलेश सालवी के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारी तानाजी वाघ और उनकी टीम ने सीसीटीवी की मदद से दीपक झा नाम के संदिग्ध को हिरासत में लिया। जानकारी के दौरान उसके पास से 92 एटीएम कार्ड और 24,000 की नकदी बरामद की गई है। पुलिसिया पूछताछ में पता चला है कि अभियुक्त दीपक झा एटीएम सेंटर में आने वाले लोगों पर नजर रखता था, जिन लोगों को पैसे निकालने में अड़चन आ रही हो उन्हें बातों में उलझाकर पासवर्ड देखने के बाद बड़ी चालाकी से एटीएम कार्ड बदल लिया करता था, फिर एटीएम कार्ड का उपयोग कर बैंक खाते से पैसे निकाल लेता था। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त पर ठाणे, कल्याण और नासिक के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी दीपक झा को गिरफ्तार कर पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, जबकि पुलिस उसके साथी की तलाश अभी कर रही है। एक एटीएम सेंटर से हाथ चलाकी के साथ एक गुना दाखिल किया था हमने, हाथ चलाकी करते हुए आरोपी ने दो महिला को फंसाया था, तो उसके तहकीकात करते हुए एटीएम सेंटर की जो फुटेज है उसके तहत हमने एक आरोपी को ताबे में लिया था और उसके पास से तहकीकात करते हुए 16 गुने उसके पास से हमने ओपन किए हैं। उसके पास से हमने 92 एटीएम कार्ड और से 24,000 रुपये की कैश भी हिरासत में लिया है उससे, और उसके पास से उसके साथीदार और से ये एटीएम कार्ड का तपास चालू है, और भी गुने उससे ओपन होने की शक्यता है।